अगर आपको किसी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कराना हो तो आप रांची के पूर्व डीसी आईएएस छवि रंजन से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि यह अभी संभव ना हो पाए क्योंकि वह अभी न्यायिक हिरासत के चलते जेल की हवा खा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम जमीन की अवैध रूप से कब्जे की बात क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि विश्व के तीसरे सबसे कठिन एग्जाम्स में गिने जाने वाले आईएएस की परीक्षा जितनी प्रतिष्ठित मानी जाती है उतना ही इस पद का दुरुपयोग भी किया जाता है। इसी कड़ी में नाम आता है आईएएस छवि रंजन का। बीते 4 मई को ईडी की 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आईएएस छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर उन पर आरोप क्या था, तो आपको बता दें कि रांची के सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन और सदर थाना क्षेत्र के चेशायर होम रोड के 1 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से खरीद बिक्री की जा रही थी। इन्हीं में छवि रंजन का नाम भी सामने आया है। ऐसे छवि रंजन ही केवल एक आईएएस अफसर नहीं है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसके अलावा भी 2 और आईएएस अफसर हैं जो ईडी के रडार पर लगातार बने हुए हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है साहिबगंज के डीसी राम निवास यादव का, वहीं दूसरा नाम आता है पूर्व प्रधान सचिव रह चुके यानी सीएम सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव रह चुके राजीव अरुण एक्का का। इसके अलावा 2 और ऐसे आईएएस अफसर हैं जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इस लिस्ट में पहला नाम पूजा सिंघल का आता है, वहीं दूसरा नाम प्रदीप कुमार का। यानी कि जिस पद को लेकर हर साल 6 से लेकर 7 लाख अभ्यर्थियों में से केवल 400 से 500 लोगों का ही चयन होता है, क्या उस पद को लेकर विश्वसनीयता वैसे ही बरकरार रह पाएगी? क्या उसकी प्रतिष्ठा वैसे ही बरकरार रह पाएगी? क्या माँ बाप अपने बच्चे को आईएएस के पद पर नियुक्त होकर भ्रष्टाचार करते देख सकते हैं? अब इसकी जिम्मेदारी तो उन पद नियुक्त अफसरों की ही है, मगर आप बने रहे हमारे लोकतंत्र 19 के साथ। और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।